अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसी साथ करते हैं आपको अपनी वीडियो पे वेलकम। नया चेहरा नूर, ये कल रात ही फ्रांस से आई है। आपने वैसे नूर को पहले फ्रांस के व्लॉग्स में देखा हुआ होगा। बहरहाल आज नूर आई भी थी और मेरा और तमीना का प्लान था वैसे ही कहीं बाहर जाने का, और नूर भी कह रही थी कहीं चलते हैं घूमने के लिए। नंबर वन प्लेस जो हमने डिसाइड की थी वो डिसाइड की थी स्ट्रॉबेरी फार्म, लेकिन हमने इंटरनेट पर जब चेक किया तो कह लो कि सिर्फ छलियां ही थी। मैं कहा छलियां खान नहीं जाना सी। स्ट्रॉबेरी का मौसम खत्म हो चुका है और सिर्फ स्वीट कौन सी, तो हमने कहा काफी ज्यादा बोरिंग होगा। फिर नूर ने सजेस्ट किया कि कैमडन मार्केट चलते हैं, क्योंकि नूर की कह ले तो इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा कहती है, सजेस्टेड रील्स आ रही होती हैं कि फूड प्लेसेस वहाँ की अच्छी हैं, तो हमने भी डिसाइड किया कि वहाँ पे चलते हैं। नंबर वन वैसे कभी नहीं गए, हम भी आज जाके एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, वहाँ पर पहले कभी भी नहीं गए हुए, और दूसरी चीज ये कि एक तो जाके चेक करेंगे कि जगह हलाल हो, ठीक है, और नूर को कह लो कि मीठा काफी ज्यादा पसंद है डिजर्ट, तो वो चेक करेंगे कि क्या चीज मिलती है, वॉफल वगैरह या जो भी मिला तो वो जाके चेक करेंगे। बाकी तमीना को भी इस बार मौका मिल गया, क्योंकि मुस्तफा का ध्यान जो है दादो रख लिया है, क्योंकि मुस्तफा के माशाल्लाह से टीथ आ रहे हैं तो काफी जो है ना आजकल तंग करता है, तो बाकी उसको आज साथ नहीं लेके आया, साथ नहीं लेके आया दोबारा। अभी हम चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते, काफी ज्यादा कह लो कि बातें भी नहीं करते, तो वहां पर चलते हैं और वहां पर चल के होती है आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली व्यूअर्स, कैमडन मार्केट हम पहुँच आए हैं, गाड़ी जो है पार्क कर दी है और अभी यहाँ से अंदर जाने लगे हैं और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की मार्केट। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट में ही डिफरेंट फूड प्लेस स्टार्ट हो गई है। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है तमीना, मैं अभी उनको ऑडियंस को भी ये बताने लगा था कि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। रश बहुत ज़्यादा है, मैं लग रहा था कि ग्रीन स्ट्रीट वाली साइड तो ज़्यादा रश था पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ से तो यहाँ पर तो 3-4 times ज़्यादा रश है, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक मोस्टली टूरिस्ट आ रहे हैं, तो अच्छी जगह है काफ़ी। दोबारा अलग भी सांस है ये थैंक्स टू नूर, क्योंकि इसी ने ये जगह देखी है और इसने कहा है कि इस जगह पर आते हैं, लेकिन हाँ हमारा तो दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था इधर आने का, पर अभी आ गए हैं तो अभी साथ साथ आपको दिखाते हैं, डिफरेंट शॉप्स भी दिखाते हैं आपको। नूर चलिए गेम, तो ये देखना यहाँ पर मैं देख रहा था तभी ना देखना पुराने VCR, ये उन्होंने म्यूजियम टाइप बनाया है, पुराने कैमरे। वो टेक्नोलॉजी है जो नूर के पैदा होने से पहले की, इसलिए यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई है। अच्छा, मैं ये देख रहा था ये जगह काफ़ी ज़्यादा अंदर से पुरानी है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो काम है ना ये आर्ट वर्क की है, जिस तरह ये ऑयल पेंट पेंटिंग। तुम पेंटिंग से कह रही हो, ये देखो मैं ये देख रहा हूँ, तमीना मुझे मुझे पेंटिंग से दिखा रही थी वो सामने पेंटिंग का। ऑप्टिकल इल्यूजन। मुझे हर जगह ही नजर आ जाती है। अच्छा, मुझे आज पता चला है कि लंदन में भी इस तरह की शॉप्स हैं, मुझे पता ही नहीं था। Thank you.
अच्छा जी, हमने डिसाइड किया है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऑर्डर करेंगे और साथ साथ आपको ज़रा, हाँ सारी चीज़ें ट्राई करेंगे और आपको ज़रा ना रिव्यूज़ देंगे फूड के। तो अभी ज़रा चिकन पार्मिजान विद चीज़ ट्राई करने लगी हैं नूर और तमीना। कैसा जी? फ्राइज का और चिकन का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। मैं चेक करता हूँ ज़रा कैसा लगता है। ये मेरी बाइट चेक करो ज़रा, चीज़ी बाइट चिकन की। प्लास्टिक के चम्मच चाहिए। अच्छा बनाया। मैंने भी चिकन ही ट्राई। पास है जी हमारा चिकन पार्मिजान, अभी ज़रा इंजॉय करें उसके बाद आपसे मिलते हैं। बबल वॉफल वो ले लिया, ये ट्राई करने लगे हैं, इसका रिव्यू नूर से लेंगे। नूर टेस्ट करके बता, इधर से बाइट करके बताओ। पसंद आया, सिंपल सा पर अच्छा सा है। जरा मैं ये ट्राई करूँ। ये जो मूवीज में डिफरेंट करेक्टर्स पहनते हैं ड्रेसेस, उनकी शॉप है। सबसे अच्छी जो बात हमें लगी है वो ये लगी है कि जनाब यहाँ पर सारी चीज़ें हलाल हैं। कोई एक शॉप भी आपने नहीं देखी जो हलाल ना हो, और नूर की बैड लक हो गई है। हम इसी शॉप पर आ रहे थे और ये तो बेसिकली नूर ने कहा था कि हम ये ट्राई करेंगे जो कि बंद हो गई है। नूर तेरी बैड लक है, अब अभी देखते हैं कहीं और से मिले तो फिर हम लेंगे, लेकिन आई थिंक यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मुझे एक पाकिस्तानी शाम नजर आई है, कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट, चीजी नान नाम। एक फ्रेश ऑरेंज जूस शॉप नजर आई है, मैं ये देख रहा था कि इन्होंने एक दिन में कितनी सेल कर ली है। ये सारे यूज़ हुए हैं, ऑरेंजेस पड़े हुए हैं नीचे पॉकेट में। यहाँ पर सारी आपको कस्टम मेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यानी कि ऑन डिमांड आप जो भी स्टाइल उनको कहोगे उस स्टाइल का आपको डिज़ाइन बना देंगे। आई थिंक स्वीट शॉप है, चेक करते हैं जरा इधर अंदर क्या है। शॉप बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है।
अच्छा जी, मुझे नहीं था पता, नूर कह रही है ये कोई कार्टून है, उसमें जो कह लो कि चुड़ैल जो होती है ये उसका घर है, उसकी नानी का जो घर होता है चुड़ैल की नानी का, वो सारा स्वीट्स का बना होता है, तो इसलिए यहाँ पर ज़रा हमें स्वीट्स नज़र आ रही हैं। और तमीना तुम्हें कुछ पसंद आई है कोई चीज़ है? तो अभी हम कैमलन मार्केट से बाहर आ गए हैं, और इससे पहले कि हमारी कार की पार्किंग ख़त्म हो, हम चलते हैं पार्किंग की तरफ। अच्छा जी, वापस अभी हम अपनी कार के पास आ गए हैं, और उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लेकिन जाने से पहले इन दोनों से पूछ लेते हैं कि इनके व्यूज़ क्या हैं। सबसे पहले आपकी भाभी से पूछते हैं, बताओ जी कैसा रहा एक्सपीरियंस, और क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी लगी? ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, शॉप्स थी बहुत सारी अच्छी थी, फूड के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। और लेकिन हम जिस चीज़ के लिए आए थे पिस्ता शुक्रोसान, वो हमें नहीं मिला, हमने 3-4 जगह पे किया, खत्म हो चुका था। मेरे ख्याल से अगर आपने वो लेना है तो आपको मॉर्निंग में आना पड़ेगा। हाँ, शाम वो यहाँ की फेमस चीज थी तो, लेकिन वो खत्म हो चुका था तो मिला। हाँ, बाकी तो सब कुछ ठीक रहा। और अब नूर पूछते हैं। मुझे भी सब कुछ बहुत अच्छा लगा, सारी शॉप्स तकरीबन सारी हलाल भी थी, हाँ टेस्ट भी कर सकते हैं। और एक पिस्ता क्रोसान नहीं मिला, और एक कॉर्न डॉग नहीं मैं खा। हाँ, इसका दिल था कॉर्न डॉग ट्राई करने का, लेकिन वो असल में मिला नहीं हमें, शॉप जब तक हम गए बंद हो चुकी थी। पर ये थे ओवरऑल व्यूज़ इन दोनों की तरफ से, और बाकी अगर मुझसे पूछो तो जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ज़रूर रिकमेंड करेंगे आप भी आएं। अगर आप नहीं आए ऑलरेडी, हाँ, क्योंकि लंदन में आपको इस तरह की शॉप्स नहीं नज़र आती जो यहाँ पर कैमलन मार्केट में, पूरे लंदन में लोकल शॉप्स हैं, और उसके बाद कस्टमाइज आइटम्स आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। बहरहाल उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड इसी के साथ होगी मुलाकात आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।